रोहतक से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। रोहतक में भी आपको बता दें सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारी महासंघ की ओर से यहां पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो रोहतक में भी हरियाणा कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर के। ये जोरदार प्रदर्शन आज रोहतक के अंदर भी कर्मचारी संघ के द्वारा देखने को मिला है। तो कर्मचारी संघ क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसी कड़ी में रोहतक में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद प्रदर्शन के बाद डीसी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं सरकार के नाम। उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको माने, उनकी मांगों को पूरा करे। उपायुक्त के जरिए सीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपे गए हैं। बड़ी जानकारी है, रोहतक की भी तस्वीरें देखिए। साथ में ये भी कहा गया है कि मांग अगर नहीं मानते हैं तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, यानी कि मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी कर्मचारी महासंघ की तरफ से दी गई है। तो बड़ी जानकारी है रोहतक में हरियाणा कर्मचारी संघ की ओर से ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। रोहतक में भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है जहां पे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के ये विरोध जताया है।